नमस्कार, मैं भाव्या, आप देख रहे हैं एंड न्यूज भारत। आज गणेश चतुर्थी है और आप आसपास का माहौल देख करके ये अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि यहाँ पे गणेश पूजा हुआ है आज। और इसी सिलसिले में यहाँ पे छात्रों का काफी भीड़ है। आपको बता दें कि हम हजारीबाग के बाबू गांव चौक में है और ये एरिया काफी रश में रहता है स्टूडेंट्स की वजह से, लेकिन यहाँ पे इसी वजह से इन लोगों की ज्यादा भीड़ है, अभी इन लोगों की ज्यादा तादाद है। लेकिन गणेश चतुर्थी के बारे में बात किया जाए तो गणेश चतुर्थी गणेश उत्सव जन्म उत्सव के तरह मनाया जाता है। कहा जाता है कि गणेश जी का जन्म हुआ था, उसी खुशी में लोग 10 दिनों के लिए उनको अपने घर में लाते हैं और विराजमान करते हैं अपने घर में, और उसके बाद फिर खुशियां सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, मतलब जो भी श्रद्धालु हैं अपने घर में लाते गणेश जी की मूर्ति इस मनोकामना से हैं कि गणेश जी उनके घर में आएंगे और फिर सारे विघ्न हर के उनको सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। खैर, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज करवाए पहले उन लोग से हम बात कर ले, बाकी बातें जो भी इनकी कथाओं से संबंधित बातें ये सब भी हम आपको बताएंगे, पहले इन लोगों से बात कर लेते हैं। आप लोग बताइए, अपना परिचय दे दीजिए पहले। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित कुमार। अच्छा। मैं ये बाबूगांव चौक का रहने वाला हूँ। हाँ, तो बताइए कब से ऑर्गेनाइज ये किए हैं आप, कितने दिनों के लिए किए हैं, बप्पा के बारे में कुछ बता दीजिए, गणेश चतुर्थी के बारे में। हर साल की बात है, इस साल भी हमेशा करते हैं। कितने सालों से करते हैं ये? हम लोग 2016 से कर रहे हैं। 2016 हाँ, हर साल भाग करते हैं। कभी भी मतलब की स्थान यहीं पे रहता है और हम लोग केवल 3 दिन के लिए त्यौहार को तो उत्सव करते हैं। अच्छा, आप लोग 3 दिन के लिए? 3 दिन के लिए मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आज स्थापना की है, मतलब कि अभी एक दो परसों तक रहेंगे, है ना? परसों हम लोग का विसर्जन रहेगा 21 तारीख को। उस दिन हम लोग पहले महिलाएं मिलकर विसर्जन के शामिल होती है और पुरुष भी दोनों से मिलकर शामिल होती है। आप लोगों का कोई समिति है क्या? समिति हाँ, हम लोग समिति तो। और महिलाएं कहाँ गई, आप ही लोग नजर आ रहे? सभी घर में है। अच्छा, इस टाइम जो जुलूस निकलता है ना विसर्जन में, उसी टाइम सबके सब साथ में शामिल होती है उसी टाइम। गणेश चतुर्थी के बारे में बता दीजिए, गणेश जी से जी को लेकर के काफी श्रद्धा होती है और यहाँ पे तो कम ही, लेकिन महाराष्ट्र में अलग लेवल से सेलिब्रेशन होता है, तो आप बता दीजिए गणेश चतुर्थी के बारे में कुछ। जैसा कि आप केतनो भगवान का पूज लीजिए, जब तक आप गणेश भगवान को पूजिएगा नहीं ना, तब तक कोई पूजा आपका सफल नहीं होगा। सबसे पहले भगवान को, पहला भगवान होता है गणेश जी, इसलिए हम लोग पहला भगवान को गणेश जी को पूजा करते हैं। और यहाँ पे अभी काफी रश दिख रहा है यहाँ पे छात्रों का। हाँ। तो हर साल ऐसे ही होता है कि यहाँ पे मतलब कि आपको श्रद्धालु के रूप में शामिल रहते हैं। बहुत रोड जाम हो जाता है, हम लोग को रोड क्लियर करने में तो दिक्कत होता है बहुत ज्यादा। अच्छा। हम लोग सारा यहाँ पे इतना भीड़ हो जाएगा कि हम लोग कंट्रोल करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसी का प्रशासन पावर ले करके हम लोग थोड़ा सा मिल करके आपस में। धन्यवाद। अभी हम कुछ छात्रों से बात करेंगे, अगर ये लोग झिझक झिझके ना तो, लेकिन मेरे पास जाते ही सारे छात्र साइड हो गए। फिलहाल अगर आप लोग बता दीजिए कुछ, पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अभिजीत पासवान है। अच्छा, गणेश चतुर्थी के बारे में कुछ बता दीजिए। जो ये बताया वही चीज हम भी बताएंगे। अरे, आप अपने, आपके मन में अलग तरह की श्रद्धा होगी गणेश जी को लेकर के, आप अपना श्रद्धा अपने लोगों से बांटे। मेरा जो श्रद्धा है ये खुद बता दिए, हम उतना ही बोलना चाहेंगे, उसके आगे नहीं बोलेंगे। अच्छा, अब अगर गणेश चतुर्थी के बारे में बात किया जाए तो आपको बता दें कि हिंदुओं में ऐसा माना जाता है कि जो लोग, जो भी पूजा होता है वो सबसे हम लोग पहले शुरुआत करते हैं गणेश जी से। अगर हम लोग आम दिन भी अगर कोई पूजा करते हैं तो पहले गणेश जी का पूजा करते हैं और उसके बाद फिर बाकी देवी देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई भी शुभ कार्य हो या फिर कुछ भी हो, पहले गणेश जी का पूजा करके उसके बाद फिर वो शुभ कार्य स्टार्ट करते हैं। और अगर दिन ही गणेश जी का हो तो अति शुभ है। और इसी सिलसिले में यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ भी है, छात्रों का भीड़ है, श्रद्धालु के रूप में यहाँ पे छात्र जुड़े हुए हैं। अच्छा, आज जो राजभवन कह सकते हैं कि राजभवन में जो लोग आज गए हैं, संसद भवन जो आज वहाँ पे लोग प्रवेश किए हैं, वो भी आज गणेश चतुर्थी के दिन हुआ। मतलब कहीं ना कहीं ये भी कनेक्ट किया गया है कि एक शुभ कार्य गणेश चतुर्थी के दिन में शुरू हुआ है। यहाँ पे तो फिर भी कम, झारखंड में फिर भी कम, लेकिन जिस लेवल का गणेश चतुर्थी, गणेश पूजा गोवा और महाराष्ट्र में होता है वो आप शायद अपने फोन में बैठे बैठे आप जरूर देखते होंगे। काफी ज्यादा यहाँ पे आप दुर्गा पूजा और दुर्गा पूजा के जैसे जगह जगह पे आप पंडाल देखते होंगे, वैसे ही महाराष्ट्र में जगह जगह का जगह जगह पे आपको गणेश जी का पंडाल दिखेगा। हर घर में गणेश जी आते हैं आज के दिन, और उसका फिर 10 दिन बकायदा रह करके, यहाँ पे 3 दिनों का सेलिब्रेशन हो रहा है लेकिन वहाँ पे 10 दिन रह करके उसके बाद फिर उनका विसर्जन किया जाता है। हाँ, बताइए, परिचय दे दीजिए पहले आप। हम यहाँ राजा है मेरा नाम। अच्छा। और यहाँ पर हम लोग गणेश भगवान का पूजा कर रहे हैं
और यहाँ का जितना स्टूडेंट है सबसे सहयोग चाहते हैं कि सब जब नाच गान करिए और पूजा करिए, प्रसाद खाए, घर जाइए। अच्छा, इस चीज अपना होना चाहिए। विसर्जन को लेकर कुछ बता दीजिए, जैसे कि किस तरह से आप लोग विसर्जन करते हैं, कहाँ पे करते हैं? विसर्जन एकदम शांति प्रिय होगा, कोई भी अप्रिय घटना नहीं घटना है, सब लड़के कोई चीज होना चाहिए। थाना से हम लोग अभी आ रहे हैं, टोटल चीज अप्रूव हो गया है और विसर्जन हम लोग का कल होगा। कल नहीं होगा, लेकिन अभी तो बात वही परसों हाँ, मिस्टेक होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है, हम लोगों को भी। यहाँ पे गणेश, अगर आप लोग थोड़ा साइड हो जाए तो हम एक बार मूर्ति अच्छे से दिखा दे अपने दर्शकों को। ये है बाबू गांव का मूर्ति, गणेश जी का मूर्ति है ये, और काफी श्रद्धा से लोग यहाँ पे, छात्र यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अगर आप आसपास की अगर मैं आपको भीड़ दिखाऊं तो सिर्फ छात्र जो यहाँ पे आसपास ट्यूशन पढ़ने के लिए जाते हैं वो यहाँ पे आधे वक्त जरूर ठहरते हैं। और अभी शाम का वक्त हो रहा है, आरती का वक्त हो रहा है और आरती के लिए यहाँ पे छात्र जुड़े हुए हैं, लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। बात की जाए मूर्ति की तो आप मूर्ति की खूबसूरती देखें, जो किया गया है, जो नक्काशी किया गया है अति खूबसूरत है। आप खूबसूरती बखान नहीं किया जा सकता है, आप खुद ही देख रहे होंगे कि भगवे रंग के धोती में कितने अच्छे मनमोहक लग रहे गणेश जी। और एक बात बोलना चाहेंगे। हाँ जी बोलिए। कि अगर आप लोगों को भीड़ यहाँ पे देखना है तो कम से कम 2 घंटे के बाद एक बार आकर के एक बार देख लीजिएगा कि यहाँ का भीड़ कैसा रहता है। हम भी आकर के देखना चाहेंगे और हम अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि जो लोग अब हर कोई जा नहीं सकते हैं महाराष्ट्र और गोवा, लेकिन आप यहाँ पे आकर के आप उस लेवल तक का देख सकते हैं। थोड़ा सा शाम में भी हाँ जुलूस देख सकते हैं आप लोगों में, शाम तक थोड़ी अच्छी भीड़ हो जाती है यहाँ पे भी आरती के वक्त, है ना? आरती वक्त होती है और प्लस की विसर्जन के लिए जितना व्यूअर देख रहे हैं सबको इन्विटेशन देना चाहेंगे कि भारी से भारी मात्रा में आकर के हमारे भीड़ का हिस्सा बने और हमारे जुलूस का हिस्सा बने, सबका मोस्ट वेलकम है। हम भी यही कहेंगे अगर कोई आना चाहे तो फिर यहाँ पे आराम से आ सकता है और गणेश जी का पूजा आप देख सकते हैं, आरती देख सकते हैं। शाम का वक्त हो रहा है, थोड़ी देर में ही आरती शुरू होगा यहाँ पे कुछ घंटों में, और आरती के लिए आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं यहाँ पे आप गणेश चतुर्थी में। खैर यहाँ पे 2 दिनों में विसर्जन हो जाएगा, विसर्जन का भी हम आपको अपडेट पूरा देते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहे N4 News भारत के साथ।